आगरा विश्वविद्यालय में समाजवादी पार्टी छात्र सभा की नई कार्यकारिणी समाजवादी छात्र सभा का गठन किया गया। नवनीत शर्मा महानगर अध्यक्ष छात्र समाजवादी पार्टी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने छात्र नेताओं की विश्वविद्यालय में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। रविवार को सभी नए कार्यकारिणी के सदस्य विश्वविद्यालय में मौजूदा समस्याओं पर बात करने को एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि आगे हम विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को जोर शोर से उठाएंगे। वहीं आगरा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है, जिसमें आज हमने मुलायम सिंह यादव की किताब के बारे में छात्रों को जानकारी दी, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में छात्रों को पता चल सके, इसके लिए हमने छात्रों से किताब खरीदने की अपील की। वहीं सपा छात्र नेता रवि यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय में नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जल्द ही हम विश्वविद्यालय की समस्याओं को वीसी के सामने रखेंगे। 2017 से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, हम लगातार उसकी मांग कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी कार्यकारिणी जो परसों माननीय देवेश देव ने माननीय राष्ट्रपति जी ने टीम जो गठित हुई है, हर पूरे आगरा विश्वविद्यालय में छात्र सभा मजबूती से काम करेगी, छात्र संघ चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। विश्वविद्यालय में डिग्रियों की और मार्कशीटों की बड़ी समस्या आ रही है, जिनको लेकर छात्र नेता कई दिनों से आंदोलन भी करते हैं, समाजवादी पार्टी के छात्र नेता भी कर रहे हैं। क्या कल ज्ञापन देंगे विश्वविद्यालय भी साहब को, जिसमें डिग्रियों की मूल्य भाई डिग्रियाँ रहेंगी और प्लस सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर हम लोग ज्ञापन। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक कमेटी का गठन करा, जिस कमेटी में सभी विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेता को सम्मिलित किया गया है और विश्वविद्यालय को कमेटी विश्वविद्यालय के हर काम में सहयोग करेगी, तो छात्रों की समस्या को उठाएगी। उसी के अनुसार आज विश्वविद्यालय पुस्तकालय मेला लगा था, जिसमें हमने माननीय हमारे पार्टी के संरक्षक और हमारे मार्गदर्शक और हमारे हृदय सम्राट माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हमने किताब का सभी छात्रों को दिया और उनके आदर्श विचार और जो उनके समाज के प्रति नीतियां हैं ईमानदारी से चलने का हमने संकल्प लिया और तथा छात्रों को बताया भी कि समाजवादी पार्टी का जो दिशा निर्देश है वो समाज के लिए अच्छा है, हम लोग सभी जातियों को जोड़ के और एक साथ काम करने का कार्य करते रहेंगे। छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या कहना चाहें, 2017 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय में पहली बार परसों ही कमेटियों का गठन हुआ है, एक कमेटी जो बनाई गई है वो सर्वप्रथम कुलपति से एक दो दिन में मिल के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का मांग करेगी। विश्वविद्यालय में जो अनियमितता चल रही है, सेमेस्टर की परीक्षाएं रिजल्ट और काफ़ी समस्याओं को लेकर मिलेंगे और अगर विश्वविद्यालय उन मानों को नहीं मानता है तो उसका विरोध भी कर सकेगा।